डॉली किचन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना कर पाएं। हेलो एवरीवन, डॉली किचन में आपका स्वागत है। ठंड का मौसम शुरू हो चुका है, मौसम चेंज हो रहा है और इसके अंदर मैंने सोचा क्यों ना आलू के पकौड़े बनाए जाएं बहुत ही अलग ढंग से। ये आलू के पकौड़े बहुत ही अलग ढंग से बनाए हैं मैंने। इसे बनाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आप मेरी कोई भी वीडियो मिस ना कर पाएं। तो आइए देखते हैं कैसे बनाते हैं हम आलू के पकौड़े बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल में। आलू के इन स्पेशल पकौड़ों को बनाने के लिए हमने कच्चे आलू को इस तरह से काट लिया है, छिलने के बाद गोल काटा है। ज्यादा मोटा नहीं काटना, थोड़ा पतला ही काटे तो ज्यादा ठीक है। इसे मैंने पानी में डिप करके रखा है ताकि ये काला ना हो। तो अब हम बनाते हैं आलू के स्पेशल पकौड़े। सबसे पहले हम पानी को करेंगे ड्रेन। पानी हमने ड्रेन कर दिया है तो अब हम टॉवल पे सुखा लेंगे। इस तरह से हमने टॉवल पे सुखा लेना है, थोड़ा सा ये सूख जाए। इतने में हम बेसन का घोल तैयार कर लेते हैं। ये हमने थोड़ा सा बेसन लिया है क्योंकि मैं बहुत थोड़े पकोड़े बना रही हूँ, तो ये आधा बाउल बेसन है। इसमें एक चम्मच मैंने लिया है कॉर्नफ्लोर। इसके अंदर हम डालेंगे जीरा एक चम्मच, ये हम डालेंगे चिली फ्लेक्स आधा चम्मच, हल्दी पाउडर 1/4 चम्मच, नमक आधा छोटा चम्मच और ये डालेंगे धनिया पत्ता और एक बड़ा चम्मच डालेंगे दही। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हम इसका एक घोल तैयार करेंगे। पानी हमने थोड़ा डाला ताकि लम्स ना पड़े, थोड़ा सा पानी और डालेंगे। मैं यहाँ आपको बताना चाहूँगी कि आप इसमें लहसुन अदरक डाल सकते हैं अपने टेस्ट के मुताबिक, तो ये कंसिस्टेंसी हमें चाहिए। इसके अंदर मैं ये डाल रही हूँ बेकिंग पाउडर, ये आप चाहें तो डालें चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, बट इसे डालने से ये पकौड़े जो है आपके बहुत ही फूले फूले बनेंगे। बेकिंग पाउडर डाला है मैंने, बेकिंग सोडा नहीं डाला। ये हमारा घोल तैयार है, तेल हमने गर्म होने के लिए रख दिया है और अब हम करते हैं पकौड़े तैयार। आप देख रहे हैं आलू जो है सूख चुके हैं। फ्रेंड्स, ये मैंने लिए हरी चटनी, ये घर की बनी हुई हरी चटनी है, आप डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे सकते हैं। ये हरे धनिया की चटनी है और ये है टमाटो केचप। तो हमने करना क्या है, मैंने ये एक आलू लिया है, इस आलू पे मैं रखूंगी हरी चटनी और ऐसे ही दूसरे आलू पे मैंने लगा लेनी है सॉस। ये हमने इस तरह से दोनों आलुओं को जोड़ देना है। इसी तरह से मैं बाकी आलू भी तैयार कर लूंगी, एक आलू पे सॉस और एक आलू पे हरी चटनी। बहुत ही ज्यादा ये टेस्टी बनेंगे आपके स्नैक्स जो हैं, बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल में। इसी तरह से अब हमने इसको भी इकट्ठा कर देना है। इस तरह से तेल हमारा गर्म हो चुका है और आलू भी हमारे तैयार हैं। आलू को हमने इस तरह से उठाया है और इस तरह से बेसन के अंदर हम करेंगे डिप। आप हाथ से भी कर सकते हैं, आप किस चीज से भी कर सकते हैं। ये मैंने एक फोक लिया, इसके साथ मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ बेसन और इस तरह से हम इसे उठाएंगे और तेल में डाल देंगे। ऐसे ही मैंने दूसरा लिया आलू, इसे मैंने पलट दिया है। आप देख रहे हैं इसे आपने लो मीडियम फ्लेम पे बनाना है, हाई फ्लेम पे नहीं बनाना ताकि अंदर से कच्चा ना रहे। ये हमारे पकोड़े जो हैं वो तैयार हैं। इसी तरह से हमने बाकी भी फ्राई कर लेने हैं। ये हमारे गर्मा गर्म चटनी वाले आलू के पकोड़े बनके तैयार हैं। उम्मीद है आपको बहुत पसंद आएंगे। आप इसे इसी प्रोसेस के साथ ट्राई करें और अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर ज़रूर करें। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।